हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुल लर्निंग। आज हम करने वाले हैं क्लास फर्स्ट की पोएम अर्ली टू बेड। अर्ली टू बेड, अर्ली यू नो, अर्ली मीन्स जल्दी, टू बेड बिस्तर पर, इट मीन्स रात को जल्दी सोना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पोएम का क्या नेम बताया गया है वो हम जानेंगे इस पोएम में। इस पोएम में पोएट जो है आपको गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के बारे में बता रहे हैं कि रात को सुबह जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना इज अ गुड हैबिट, अच्छी हैबिट है। इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे वो भी आपको इस पोएम में बताएंगे। साथ ही रात को लेट सोना और लेट उठना, सुबह लेट उठना, दैट इज बैड हैबिट। ठीक है, बैड हैबिट है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको रात को लेट सोने और सुबह लेट उठने के क्या क्या नुकसान होते हैं, आपको इसकी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो हम जानेंगे इस पोएम में। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोएट इज इंस्पायरिंग द स्टूडेंट्स दैट दे शुड गो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज एवरी डे। इस पोएम में पोएट कह रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, किसको? इंस्पायर मीन्स क्या होता है, प्रेरणा दे रहे हैं द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को, दैट दे शुड, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या, गो अर्ली, गो मीन्स जाना, अर्ली मीन्स जल्दी, किधर जाना चाहिए, टू बेड बिस्तर पर। ठीक है, उन्हें बिस्तर पर रात को जल्दी जाना चाहिए एंड अर्ली टू राइज, अर्ली मीन्स जल्दी ही, टू राइज मीन्स उठना चाहिए, एवरी डे प्रत्येक दिन। यहाँ मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी और थोड़ा हम यहाँ पे जो बुक रीड है थोड़ा स्लो करेंगे ताकि आपको बुक रीड करना भी अच्छे से आ जाए। क्लियर, गो टू बेड अर्ली वेक अप विद जॉय। पोएट क्या कह रहे हैं, गो टू बेड अर्ली, रात को जल्दी सोना चाहिए, वेक अप विद जॉय और सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, वेक अप विद जॉय, अगर आप रात को जल्दी सोते हो तो और सुबह जल्दी उठते हो तो क्या होगा, जब तुम सुबह उठोगे तो बिल्कुल आपकी जो सुबह है वो बहुत ही अच्छी होगी, आपका मूड काफ़ी अच्छा होगा, आप एकदम एक्टिव रहोगे पूरा दिन और हर काम को एक्टिवली करोगे, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। लेकिन क्या होगा, गो टू बेड लेट, अगर आप रात को लेट सोते हो, नेचुरल है रात को लेट सोओगे तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप सुबह लेट उठोगे पूरा दिन आपका इतना गंदा लगेगा, आपको पूरा आलसी भरा लगेगा, ना आपका कुछ काम करने का मन करेगा, ना कुछ खेलने का मन करेगा, ना आपको पूरा दिन नींद आती रहेगी। तो कह रहे कि अगर आप रात को लेट सोते हो तो क्या होता है, क्रॉस गर्ल और बॉय, यहाँ कहने का मतलब ये है चाहे कोई बॉय है और चाहे गर्ल है, दोनों ही अगर सुबह जल्दी उठते हो तो आप पूरा दिन एक्टिव रहोगे, आपकी नींद बहुत, एक आपका जब नींद खुलेगी तो आप बिल्कुल फ्रेश फ्रेश रहोगे, और अगर आप लेट सोते हो तो क्या होगा, पूरा दिन आपका आलसी भरा रहेगा। ठीक है, चाहे कोई बॉय है और चाहे गर्ल है। गो टू बेड अर्ली रेडी फॉर प्ले, गो टू बेड लेट मोपिंग ऑल डे। पोएट फिर से क्या कहना चाह रहे हैं, गो टू बेड अर्ली, रात को जल्दी सोने से क्या होता है, रेडी फॉर प्ले, आप रेडी रहोगे, तैयार रहोगे किसके लिए, फॉर प्ले, खेलने के लिए। आप जब गेम्स आपको करवाए जाते हैं, जब आपको खेलने का कहा जाता है तो आप बिल्कुल एक्टिव रहोगे और हर चीज को बहुत ही हर चीज में इंटरेस्ट लोगे खेलने के लिए, है ना। लेकिन क्या होगा, गो टू बेड लेट, अगर आप लेट सोते हो, लेट जाते हो तो क्या होता है, आपकी नींद पूरी नहीं होती और फिर पूरा दिन आपका कैसा रहेगा, मूपिंग ऑल डे, मूपिंग मीन्स क्या होता है, आलसीपन। ठीक है, सुस्त रहना ऑल डे, पूरा दिन, रात को लेट सोगे तो पूरा दिन आपका आलस भरा रहेगा, सुस्ती से भरा रहेगा, आप किसी काम में एक्टिव नहीं रहोगे, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, तो इसीलिए आपको जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपको देखो जल्दी उठने के, जल्दी सोने के, जल्दी उठने के बेनिफिट ही बता रहे हैं, लेट सोने के और लेट उठने के आपको जो नुकसान है वो भी आपको बता रहे हैं। पॉइंट, गो टू बेड अर्ली नो पेन्स और इल्स, आप जल्दी सोते हो तो क्या होता है, अगर आप जल्दी सो जाते हो तो नो पेन्स, ना तो आपको कोई पेन रहेगा और इल्स, ना आप कभी बीमार पड़ोगे। इट मीन्स रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठने से आप हेल्दी रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी।
बट क्या होगा, गो टू बेड लेट, अगर आप लेट सोते हो, रात को बिस्तर पर लेट जाते हो, लेट सोते हो, सुबह लेट उठते हो, तो क्या होगा, डॉक्टर एंड पिल्स, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मेडिसिन यानी कि पिल्स मीन्स क्या होता है, दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, है ना, पिल्स मीन्स दवाइयाँ, क्लियर। तो फिर से देखते हैं, गो टू बेड अर्ली, अगर आप जल्दी सोते हो, जल्दी उठते हो, तो ना तो आप बीमार पड़ोगे, ना आपको कोई पेन होगा, देखो पेन मीन्स क्या होता है, दर्द, और इल्स मीन्स बीमारी लगनी, ठीक है, ना तो आपको कोई पेन होगा और ना ही आप बीमार पड़ोगे। और अगर लेट सोते हो, लेट जागते हो, तो आपको क्या करना होगा, पूरा दिन आलस भरा होगा, आप बीमार से लगोगे, सुस्त से रहोगे, तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा और क्या करनी होगी, पिल्स खानी होगी, इट मीन्स दवाइयाँ खानी पड़ेगी, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, गो टू बेड अर्ली, ग्रो वेरी टॉल, अगर आप रात को जल्दी सोते हो, सुबह जल्दी उठते हो, तो क्या होगा, ग्रो वेरी टॉल, आप बहुत लंबे हो जाओगे, बहुत बड़े हो जाओगे, आप जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही अच्छे से होगी। गो टू बेड लेट, स्टे वेरी स्मॉल, अगर आप रात को लेट सोते हो, सुबह लेट उठते हो, तो आप क्या, स्टे, स्टे मीन्स होता है रहना, कैसे, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे रह जाते हो, है ना, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आपकी ग्रोथ प्रॉपर अच्छे से नहीं हो पाती, क्लियर। आपकी ग्रोथ कैसे नहीं हो पाती, देखिए, क्योंकि रात को आप लेट सोते हो तो आपकी नींद पूरी नहीं होती, सुबह फिर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप आलस भरे रहोगे, कोई काम करने में एक्टिव नहीं रहोगे, जब आप कोई एक्टिव नहीं रहोगे, कुछ गेम नहीं खेलोगे, तो आप बीमार पड़ जाओगे और आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, है ना, तो इसलिए आप क्या होगा, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आप स्मॉल रह जाओगे, क्लियर। तो आज हम यहाँ पे क्या सीखा, कि हम हमको रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। आई होप आज से आप रात को जल्दी सोगे और सुबह जल्दी ही उठोगे, क्योंकि हमें स्ट्रांग बनना है, हमें पढ़ना है, हमें अपनी ग्रोथ अच्छे से चाहिए, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कुछ वर्ड मीनिंग नीचे दिए हैं, जो वेक, वेक मीन्स बी अवेक, मतलब जागना, रेडी, तैयार रहना, हर चीज के लिए तैयार रहना, ठीक है, मोप, मोप होता है लेजीनेस, आलसपन, आलसी बनाना, पेन्स, फिजिकल हर्ट, पेन्स क्या होता है, फिजिकल हर्ट, शारीरिक जो दर्द होता है ना, उसे पेन्स कहते हैं, जो आपको चोट लग जाती है तो उसे पेन्स कहते हैं, काफी तकलीफ रहना होता है। पिल्स, इट मीन्स टैबलेट्स, दवाइयाँ, स्टे, हार्ट मीन्स रहना, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, टिक द करेक्ट वो हम करेंगे। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पार्ट ए में क्या दिया गया है आपको, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके तीन ऑप्शन है, ए बी सी, तीनों ऑप्शन में से जो आपको सही ऑप्शन है उस पर टिक करना है, क्लियर। तो चलिए करते हैं, Going to bed early brings, रात को जल्दी सोने से लाता है, क्या लाता है, brings means होता है लाता है, क्या लेके आता है, joy खुशियां लेकर आता है, pain दर्द लेके आता है, या guilt, guilt लेके आता है, तो क्या होगा इसका आंसर, joy, जल्दी सोने से आप बहुत ही खुशी से उठोगे, आपके मन में बहुत सी उमंग आएगी, बहुत खुशी होएगी, बहुत ही एक्टिव रहोगे, तो इसका ऑप्शन होगा ए, जॉय। गोइंग टू बेड लेट ब्रिंग्स, रात को लेट सोने से क्या लेके आता है, ब्रिंग्स मतलब क्या लेके आता है आपके लिए, स्माइल मुस्कान लेके आता है, डिजीज बीमारियां लेके आता है, या फ्लावर्स फूल लेके आता है, तो क्या लेके आता है आपके लिए, डिजीज बीमारियां। Going to bed early makes you, रात को जल्दी सोना आपको बनाता है, makes you आपको बनाता है, कैसा, tall लंबा बनाता है, fall गिरा हुआ बनाता है, या small बहुत ही छोटा बनाता है, ठीक है, तो क्या होगा, आप जल्दी सोओगे, सुबह जल्दी उठोगे, तो आप कैसे रहोगे, बहुत ही tall हो जाओगे, बहुत बड़े हो जाओगे। चलते हैं next part पे, पार्ट बी, टिक फॉर द राइट एंड क्रॉस फॉर द रोंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट सही है उसके लिए टिक करो और जो रोंग है उसके लिए क्रॉस लगाना है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस देखो, गो टू बेड अर्ली वेक अप विद जॉय, रात को जल्दी सोना आपको खुशी देता है, आनंद देता है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, ओके। सेकंड देखो, गो टू बेड अर्ली रेडी टू इल, रात को अगर आप जल्दी सोते हो तो क्या सुबह आप बीमार पड़ जाते हो, रात को जल्दी सोना सुबह जल्दी उठने से आप बीमार पड़ जाओगे,
रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं है। हम एक्टिव रहते हैं, हम खुश हो जाते हैं, हम हेल्दी बनते हैं ना, तो ये इल नहीं होते, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। गो टू बेड अर्ली डॉक्टर्स एंड पिल, अगर आप बिस्तर पर जल्दी सोते हो, इट मीन्स रात को जल्दी सोते हो और सुबह जल्दी उठते हो, तो क्या आपको डॉक्टर और पिल्स की जरूरत पड़ेगी? डॉक्टर और पिल्स मीन्स दवाइयों की जरूरत पड़ेगी? रॉन्ग, हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, गो टू बेड लेट स्टिल वेरी स्मॉल, लेट जाओगे अगर आप रात को लेट सोओगे, सुबह लेट उठोगे तो आप स्मॉल रह जाओगे। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, बिकॉज मैंने आपको रीजन बता ही दिया है, लेट सोते हो, नींद पूरी नहीं होती, नींद पूरी नहीं होती तो आप बीमार सा लेजी सा फील करते हो, और लेजी रहने से ना तो आप किसका आपका कोई काम करने का मन करेगा, ना ही खेलने का मन करेगा। जब आप ना तो कोई काम करोगे और ना ही खेलोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, है ना, तो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी, चाहे फिजिकल ग्रोथ लगा लो चाहे मेंटल ग्रोथ लगा लो। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। नीचे आपको कुछ फिलअप्स दे रखे हैं, इनको आपको फिल करना है। देखिए क्या है, पहले हम इनकी मीनिंग जान लेते हैं। पेन, पेन क्या होता है? दर्द, हुपिंग, आलसीपन, वेक जागना, क्रॉस, क्रॉस मीन्स क्या होता है, मतलब क्रॉस कर जाना किसी चीज को, पार कर लेना। देखिए फर्स्ट फिलअप, गो टू बेड अर्ली, रात को जल्दी सोना, वेक अप विद जॉय, क्या होगा, जल्दी सोगे तो बहुत ही जॉय के साथ उठोगे, वेक अप उठना। सेकेंड देखिए, गो टू बेड लेट, रात को लेट सोगे तो क्रॉस गर्ल और बॉय, और तो चाहे बॉय है चाहे गर्ल है तो उससे क्या होगा, उन सभी को ही नुकसान होगा, वो सभी क्या रहेंगे, सुबह एक्टिव नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी उनका किस काम को करने का मन नहीं करेगा, है ना। थर्ड देखिए, गो टू बेड अर्ली, नो डैश और इल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो पेन्स और इल्स, सुबह जल्दी रात को जल्दी सोते हो, सुबह जल्दी उठते हो तो आपको कोई पेन नहीं होगा और ना ही आप बीमार पड़ोगे। गो टू बेड लेट, अगर आप लेट सोते हो तो, लेट उठते हो तो, मूपिंग ऑल डे, पूरा दिन आप कैसे रहेगा, आलसी भरा रहेगा, आलसपन रहेगा आपके अंदर। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट डी में हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हेन शुड वी गो टू बेड टू स्लीप, हमें रात को सोने के लिए कब जाना चाहिए, कब जाना चाहिए। वी शुड गो टू स्लीप अर्ली एट नाइट, हमें रात को जल्दी सोना चाहिए, अर्ली एट नाइट मीन जल्दी सोना चाहिए रात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन शुड वी वेक अप, हमें कब उठना चाहिए, शुड मीन्स चाहिए, वी मीन्स हमें, वेक अप उठना, कब उठना चाहिए, वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ कैन वी रेडी फॉर प्ले, हम खेलने के लिए कैसे तैयार रह सकते हैं, हर बार खेलने के लिए कैसे रेडी रह सकते हैं, जब आप रात को जल्दी सोओगे, सुबह जल्दी उठोगे और आपकी नींद पूरी रहेगी, आपका मूड फ्रेश रहेगा और आप खेलने के लिए रेडी रहोगे, तो आंसर क्या होगा, गो टू बेड अर्ली रेडी फॉर प्ले, रात को जल्दी सोकर हम हमेशा प्ले के लिए रेडी रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ कैन वी अवॉइड पेन्स और इल्स, हम पेन और इल बीमारी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, तो बिल्कुल वही बात, हमें रात को जल्दी सोना चाहिए ना, तो क्या होगा, गो टू बेड अर्ली वी अवॉइड पेन्स और इल्स, रात को जल्दी सोकर हम पेन और बीमारी से बच सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, ग्रामर वर्कशॉप। ग्रामर वर्कशॉप में आपको दिया गया है टॉपिक आर्टिकल द के बारे में बताया गया है, और देखिए क्या है कि द वाइज आउल पासिस बाय, एक बुद्धिमान आउल जो है, उल्लू जो है, यहां से पास हुआ है, मतलब गया है अभी अभी। द सन शाइन्स ब्राइटली, सन जो है बहुत ही ब्राइटली चमकता है। अब देखो यहाँ पे द का यूज कहाँ किया जाता है, द कलर्स डोंट वर्क, कलर जो है काम नहीं करते हैं, ये द कहाँ यूज होता है वो हम जानेंगे। देखिए द इज एन आर्टिकल, द एक आर्टिकल है, ठीक है, द इन दिस सेंटेंसेस टॉक्स अबाउट अ स्पेशल थिंग, और द वर्ड जो है, द आर्टिकल हमें स्पेशल थिंग्स के बारे में बता रहा है, यहाँ स्पेशल बात की जा रही है। देखिए द वाइस आउल, यहाँ पे बात की जा रही है एक
स्पेशल आउल की, आउल तो बहुत सारे होते हैं लेकिन स्पेशल आउल कौन सा, वाइस, बुद्धिमान। तो ऐसे स्पेशल आउल जो बात की जा रही है ऐसे स्पेशल थिंग के लिए हम द का यूज करते हैं। सन शाइन्स ब्राइटली, सन जो है बहुत ही तेजी से चमकता है, तो यहाँ पे स्पेशल सन की बात की जा रही है तो हम द का यूज करेंगे। द कलर्स डोंट वर्क, अब कलर्स तो काफी सारे हैं लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक चीज की बात की जा रही है कि ये जो कलर है ना ये काम नहीं करते हैं, ठीक है, ये कलर नहीं चल रहे हैं, तो वहां पे स्पेसिफिक चीज बात की जा रही है तो द का यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज का हमें और ध्यान देना है इसके प्रोनंसिएशन के बारे में। द का प्रोनंसिएशन देखो आपने सुना होगा कुछ स्टूडेंट जो है द को द पढ़ते हैं और कुछ दी पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ तो इसको द बोलेंगे कुछ बोलेंगे दी। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो ऐसा डिपेंड करता है आपके जो वर्ड है उसे जो द के तुरंत बाद वाला जो वर्ड आ रहा है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है। अगर वो वोवल से स्टार्ट होता है तो उससे पहले जो द का प्रोनंसिएशन हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर वोवल से हो रहा है तो हम उसे दी पढ़ेंगे, अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसे दा पढ़ेंगे। क्लियर, जैसे कि द वाइस आउल, अब ये जो इसके तुरंत बाद वाला जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है तो इसलिए हमें दा पढ़ा। सेम थिंग इसमें भी सन है, सन क्या है, एस क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। प्रोनंसिएशन में भी देखो स आ रहा है ये भी कॉन्सोनेंट है तो हम द का प्रोनंसिएशन करेंगे यहाँ पे। इस तरह से कलर्स में भी कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम द पढ़ेंगे, बट जब ये वोवल से स्टार्ट होते हैं तो हम इसका प्रोनंसिएशन दी करते हैं। कैसे, जैसे कि एग्जांपल देखो दी एप्पल्स, यहाँ पे हम इसे अब दी पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि जो इसके नेक्स्ट वाला जो वर्ड है वो वोवल से स्टार्ट होता है एप्पल, है ना, तो अगर वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, दी, The apples are sweet, ठीक है। अब हम इस पार्ट के कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर ये फिलिप्स यहाँ दिए हुए हैं। डैश टी इज कोल्ड, यहाँ देखो टी की बात की जा रही है और स्पेसिफिक टी की बात की जा रही है स्पेशल चीज की, तो हम द का यूज करेंगे, द टी इज कोल्ड। सेकेंड देखिए द गिव मी डैश बैट, तो यहाँ पे क्या आएगा, अ बैट, एक बल्ला दो, एंड अ बॉल, एक बॉल दो। ए का यूज मैं आपको बता देती हूँ, ए का यूज कहाँ होता है, वोवल से कॉन्सोनेंट से पहले ए का यूज होता है और वोवल से पहले एन का यूज होता है, ए एन एन, एन का यूज कहाँ होता है, वोवल से पहले, और ए का यूज कॉन्सोनेंट से पहले। वोवल हमारे कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू, और बाकी सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, जो हमारे इंग्लिश के 26 अल्फाबेट होते हैं उसमें से ए ई आई ओ यू तो वोवल्स हैं और बाकी सब कॉन्सोनेंट, ठीक है। गिव मी डैश बैट एंड डैश बॉल, अब यहां देखिए फिलिप के नेक्स्ट वाला वर्ड जो क्या है, बैट, बैट ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए का यूज। इस तरह से बॉल भी क्या है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला है तो हम ए का यूज करेंगे। लुक एट द स्टार्स, यहाँ पे स्पेशल थिंग्स की बात की जा रही है तो हम द का यूज करेंगे। ओपन द टैप, यहाँ पे स्पेशल थिंग की बात की जा रही है कि उस टैप को खोलो, एंड फिल द बकेट, और उसी बकेट को, देखो स्पेशल बकेट भी कह रहे हैं कि उस बकेट को भरो, तो स्पेशल थिंग की बात की तो हम द का यूज करेंगे। देयर इज अ लायन इन द कैज, वहां पर एक लायन है कैज में, तो यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। प्रोनंसिएशन देखो लायन, ल, ल क्या है, ये व्यंजन वर्ड है, व्यंजन वाला है ना, तो यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे। टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट, द टीचर, यहाँ पे स्पेशल थिंग की बात, स्पेशल टीचर की बात की जा रही है कि उस टीचर ने उस स्टूडेंट को डांटा है, ठीक है, डांटा था, तो हम द का यूज करेंगे, द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट, टीचर ने बच्चों को डांटा यानी स्टूडेंट्स को, छात्रों को डांटा, एक स्पेशल टीचर की बात की जा रही है। क्लियर द स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारी पोएम अर्ली टू बेड, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, थैंक यू। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सभी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।